लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश में बड़ी राजनीतिक हलचल मची हुई है और इससे कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी खुलकर अब सामने आ रही है। नेताओं के बयानबाजी भी अब थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच पीपलदा विधायक राम नारायण मीणा का एक बयान सामने आया है और इसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है। कांग्रेस नेता आपसी लड़ाई छोड़कर पार्टी की मजबूती के लिए काम करे, अपने स्वार्थ को छोड़े और राहुल गांधी के नेतृत्व में अच्छे कार्यकर्ताओं और नेताओं को सिलेक्ट करे। और साथ उन्होंने कांग्रेस नेताओं को चेताया है कि जुलाई तक भाजपा की मोदी सरकार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बर्खास्त कर देगी। वो देश में साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे, उनको भारत से कोई लेना देना नहीं, देश की मजबूती से कोई लेना देना नहीं, उनको तो खुद की मजबूती चाहिए, अपनी विचारधारा की मजबूती चाहिए। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं को मैं जैसे भी मिल रहा हूँ सलाह दे रहा हूँ कि आप आपसे लड़ाई छोड़िए। आज मेरा जैसा व्यक्ति यदि राम नारायण मीणा आज कार्यकारिणी का साधारण सदस्य भी नहीं हुए, इससे राजस्थान की जनता में क्या मैसेज जा रहा है, मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता। लेकिन बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, कांग्रेस की लीडरशिप को जो स्टेट की है वो लीडरशिप अपने स्वार्थ को छोड़े और राहुल गांधी के नेतृत्व में अभी भी संगठित होने की बात करें, ईमानदारी से अच्छे कार्यकर्ताओं को नेताओं को सिलेक्ट करें तो कांग्रेस बचेगी। नहीं तो नरेंद्र मोदी संविधान की धारा 356 के तहत इस ताक में बैठे हैं कि वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करें। और ये निर्णय यदि हम नहीं सुधरे तो जुलाई के महीने तक निश्चित तौर पर मोदी